हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा, न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। बांग्लादेश के ऊपर सीरीज़ कर रहे हैं, आज इस सीरीज़ में थोड़ा सा अलग करेंगे, कुछ विरासत की बात करेंगे, हेरिटेज की बात करेंगे पास्ट की। बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय कवि हैं वो हैं काजी नजरुल इस्लाम। जी, काजी नजरुल इस्लाम एक बहुत बड़ा नाम है और बंगाल से निकले जो दो ग्रेटेस्ट पोएट्स हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम, इनका हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। काजी नजरुल इस्लाम 24 मई 1899 को पैदा हुए थे और 29 अगस्त 1976 ढाका में इनकी मृत्यु हुई। ये बांग्ला भाषा के बहुत बड़े कवि थे, म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, फिलोसोफर थे, राइटर थे, पोएट थे और बहुत बड़े देशभक्त थे। उनकी राइटिंग्स को, म्यूजिक को, पोएम्स को बहुत सम्मान मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। उनकी कविता में विद्रोह का स्वर बहुत था, इसलिए उनको विद्रोही कवि या विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता था। वो समाज में एक्सप्लोटेशन के खिलाफ बहुत लिखते थे। उनका जन्म चुरुलिया गांव में, जो कि अब हिंदुस्तान में है, वेस्ट बंगाल के अंदर वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था और वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन उनको मिली। परिवार गरीब था लेकिन जज्बा और पैशन बहुत था। वहीं उन्होंने धीरे धीरे पोएम का, ड्रामा का, लिटरेचर का ज्ञान प्राप्त किया। पूरी जिंदगी में ये कहा जाता है कि उन्होंने 3000 से 4000 गानों की रचना की, गीत बनाए। इनको नजरुल गीत या नजरुल गीती के नाम से जाना जाता है। बाद की उम्र में वो एक पिक्स रोग उनको हो गया था, डिसीज हो गई थी, उससे वो निकल नहीं पाए और 72 में वो ढाका आए। यहाँ पे उनको नेशनैलिटी दी गई बांग्लादेश की और यहीं पे उनकी मृत्यु भी हुई। काजी नजरुल इस्लाम एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने समाज में भेदभाव और रिलीजियस कंजर्वेटिवनेस के खिलाफ बहुत काम किया और बहुत बोला। ये खास तौर से वहाँ पे एक लैतौर दल का एक नाम कह सकते हैं, लैतौर दल नाम था, उसमें शामिल हो गए थे वो गांव के, जब वो बचपन में थे वहाँ पे, और यहीं से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत भी हुई थी। बाद में वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए और पहले वर्ल्ड वॉर के अंदर भी उन्होंने भाग लिया था। उनके गानों को दूसरे हिस्सों तक भी लोगों ने पहुँचाया बाद में। यानी कि जन्मजात वो विद्रोही कवि थे, एक रेवोल्यूशनरी पोएट थे। वो हमेशा कंजर्वेटिज्म और आप कह सकते हो कम्युनलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ते थे। वो अंग्रेज़ों की बहुत आलोचना करते थे, उन्हें बहुत क्रिटिसाइज करते थे, जिसके कारण अंग्रेज़ सरकार ने उनकी किताबों पे और उनके अखबार पे, उनकी पोएम्स पे बैन लगा दिया था। बहुत सारी उनकी कविताएं हैं, विद्रोही उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, उसका थोड़ा सा मैं एक हिंदी एक वर्ड्स आपको बताता हूं। मैं विद्रोही, मैं चिर अधीर, मैं शास्ति शांति का नाश, त्रास मैं कांति रूप, मैं रणकामी। तो ये उनके जो है चिर अधीर के कुछ मैंने शब्द आपके सामने कहे। और इसके अलावा बंगला भाषा में जो उनका लिखा हुआ, मुझे बंगला नहीं आती है लेकिन वो हिंदी के अंदर लिखा है, तो मैं उसको ट्राई करूँगा रीड करने की, आप समझ पाएंगे। बोलो वीर बोलो, उन्नत मम शिर, शिर निहारी आमार नत शिर, अय शिखर हिमाद्री बोलो, महाविश्वेश्वर महाकाश फाड़ी, चंद्र सूर्य ग्रह तारा छाड़ी, भूलोक द्वयलोक दोलोक भेदिया, खुदार आसन आरस छेदिया, उठिया छी चिर विस्मय, आमी विधात्रीर मम ललाटे रुद्र भगवान ज्वाले, राज राज टीका दीप्त जय शीर बोलो वीर। ये
उनकी जो भाषा थी उसके अंदर उनको संस्कृत का बहुत ज्ञान था, बांग्ला का तो वो पंडित थे ही, और फारसी का भी ज्ञान था। तो उनकी जो लिखी हुई रचनाएं हैं उसके अंदर आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो है उन भाषाओं के शब्दों से भी आपको मिल जाती हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि काजी नजरुल इस्लाम के गीत के बिना ईद भी पूरी नहीं होती है। तो उनको जो कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब थी उसके अंदर, और चूंकि वो फारसी और हिंदू दोनों धर्मों से अच्छे ढंग से वो उनके परिचित थे उनसे, और उनकी जो वाइफ थी वो भी हिंदू थी एक्चुअली, ये लड़की का जो उनका वाइफ का नाम था प्रोमिला था। और देखा जाए तो जो ईद के ऊपर मैंने जो बात की तो उनकी जो एक जो रचना है उसका जो हिंदी अनुवाद ऐसा है कि ओ मन रमजान के बाद रोज़े के बाद आई है मुबारक ईद, तुम अपने अपने बैर भूल जाओ सुनो ऊपर वाले का संदेश, जिसे बांग्ला में इस ढंग से लिखा गया है, ओह मोर रमजानेर ओई रोजार शेषे एलो खुशीर ईद तुई अपना के आज बिलिए देशोन आसमाने ताकी तागीद। तो ये बांग्ला के अंदर मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की है। ये मैंने बताया कि उनके सारे गीत जो हैं वो नजरुल गीती के नाम से वो मशहूर हैं वहाँ पे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी पहले काम किया था, और कुछ उनकी जो कविताएं हैं बच्चों के लिए भी हैं, और उनकी एक बचपन के ऊपर छोटे बच्चों के लिए जो कविता है वो अभी भी बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल असम त्रिपुरा में बहुत फेमस है। तो वो उसका हिंदी इस प्रकार था कि भोर हुई द्वार खुले छोटे बच्चे जागो रे, सुबह सुबह जूही की शाख पर छोटे फूल खिल रहे, सूरज मामा चलते बकैयां आसमान लाल रंग रहे, चौकीदार गीत गा रहा है राम तुम भी सुनो रे। बंगला में कुछ ऐसा लिखा था, भोर होलो दोर खोलो खुकुमणि उठे रे ए डाके, जुई शाखे फूल खुकी छोटरे खुकुमणि उठ रे, रवि मामा दे हामा गाय, रांगा जामा ए दारोयान गाय, गान शोनो ए रामा हे। तो ये मेरी जो फॉल्टी बंगाली है उसको माफ़ कीजिएगा, वो हिंदी में लिखी है उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में उनको काजी साहब को वहाँ पे एक बीमारी हो गई, और फिर उनको 1952 के अंदर रांची में इलाज के लिए लाया गया, और उनके इलाज कराने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक थे। उनकी पत्नी को भी प्रोमिला को भी इलाज के लिए लंदन भेजा गया था, बाद में वहाँ से वो वियना भी गए थे, लेकिन फिर वो पिक डिसीज़ जो थी वो एक लाइलाज बीमारी थी, और 1976 29 अगस्त को उनका वहाँ पे ढाका के अंदर मृत्यु हो गई। उन्हें ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही वहाँ पे दफनाया गया था एक मस्जिद के बगल में। काजी नजरुल इस्लाम साहब भारत रूपी पौधे को, उस टाइम भारत एक ही था, तो कहते थे हिंदू और मुसलमान जो है दो फूल हैं, इसके एक ही शाख पे उगे हुए दो फूल हैं, वो लोगों के आपस में मिलने जुलने को प्रेम करने को वो उस पर बहुत जोर देते थे, खुद भी काफ़ी इमोशनल थे। और उनकी एक कविता का जो स्वराज्य के ऊपर है वो उन्होंने लिखी थी, तो उसका कुछ हिंदी अनुवाद ऐसा है, बांग्ला अनुवाद तो शायद मेरे पास मैं देखूंगा है नहीं शायद। उन्होंने लिखा था कि नेताओं को चंदा चाहिए, गरीब लोग भोजन के लिए बचाया हुआ पैसा लाकर देते हैं, बच्चे भूख से रोने बिलबिलाने लगते हैं, उनकी माँ कहती है अरे अभागो चुप हो जाओ देखते नहीं मैं स्वराज्य चला रहा है, पर भूख से व्याकुल बच्चा स्वराज्य नहीं चाहता, उसे चाहिए पेट में डालने के लिए थोड़ा सा चावल और नमक, दिन बीतता जाता है बेचारे बच्चे ने कुछ नहीं खाया है, उसके सुकुमार पेट में आग जल रही है, देखकर आंखों में आंसू भरकर मैं पागलों की तरह दौड़ जाता हूँ, स्वराज्य का नशा तब ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। तो ये उनका ये जो उन्होंने लिखा था वहाँ पे। इसके अलावा उनकी पहुँच बहुत थी, और बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम था 1971 के आसपास का 70-71 में, उसमें उनकी जो कविताएं थी विद्रोही जो कविताएं थी वो बहुत बड़ा फाउंडेशन स्टोन था जो मुक्ति वाहिनी के लिए और बांग्लादेश के जो लोग थे जो फाइट कर रहे थे एक्चुअली। रविंद्रनाथ टैगोर भी उनकी लेखनी से बहुत प्रभावित थे, और वो भी उनको बहुत मान्यता देते थे कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं। दरअसल कई लोगों ने इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि
कभी भी दो सबसे बेहतरीन जो लेजेंडरी फिगर्स हैं, बहुत बड़े महान कवि हैं, उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोनों का अपना अपना स्थान है और दोनों सम्मान के पात्र हैं, दोनों को इज्जत मिलनी चाहिए और मिलती है। तो इस मामले में देखा जाए तो ये एक बहुत ही एक अच्छी बात है। भूपेन हजारिका ने एक छोटी सी इन दोनों के बारे में लाइन लिखी थी जब गुरुदेव से उनकी तुलना की गई, कंपेयर किया गया कि सबके हृदय में रविंद्रनाथ, चेतना में नजरुल हो, जब भी कोई रोग विघ्न विपत्ति पड़े या हवा प्रतिकूल हो, हाथ में हो अग्नि वीणा और मुंह पर गीतांजलि, हजार सूरज लाखों तारे इसी रास्ते पर चलेंगे, सबके हृदय में रविंद्रनाथ, चेतना में नजरुल हो। बंगाली में उन्होंने ऐसा लिखा था जो मेरे पास हिंदी में है, साबार हृदय रविंद्रनाथ चेतो नाटे नजरुल ज्योतोई अशुक विघ्नो विपोद हावा होक प्रतिकूल एक हाथे बाजे अग्नि बिना कौन थे गीतांजलि हजार सूर जो चोखेर तारई आमरा जे पोत चोली साबार हृदय रविंद्रनाथ चेतो नाटे नजरुल। तो ये एक बहुत ही मतलब एक बेहतरीन जो चीज़ है जो उनके बारे में कही गई, और मैं खुद भी उनके गीतों को पढ़ा हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। रविंद्रनाथ को मैंने बहुत पढ़ा है और इनको भी मैंने पढ़ा है, हिंदी में जो अनुवाद हैं उनके जो ट्रांसलेशन से उनको पढ़ा है। तो कोई शक वाली बात नहीं कि बहुत जो दुनिया के जो ग्रेटेस्ट जो पोएट्स हैं उनमें इन दोनों की गिनती होती है, रविंद्रनाथ टैगोर की और काजी नजरुल इस्लाम की। उनकी जो विद्रोही कविता है उसका एक हिंदी अनुवाद जो कबीर चौधरी ने किया था उसकी मैं कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। अब बोलो वीर बोलो चिर उन्नत मेरा शीश, मेरा मस्तक निहार झुका पड़ा हिमद्र शिखर, बोलो वीर बोलो महाविश्व महा आकाश चीर, सूर्य चंद्र से आगे धरती पाताल स्वर्ग भेद, ईश्वर का सिंहासन छेद उठा हूँ मैं धरती का एकमात्र शाश्वत विस्मय, देखो मेरे नेत्रों में दीप्त जय का दिव्य तिलक, ललाट पर चिर स्थिर बोलो वीर बोलो चिर उन्नत मेरा शीश, मैं दायित्वहीन क्रूर नृशंस महाप्रलय का नटराज, मैं चक्रवात विध्वंस मैं महाभय मैं पृथ्वी का अभिताप, मैं निर्दयी सब कुछ तोड़ फोड़ मैं नहीं करता विलाप, मैं अनियम उच्छृंखल कुचल चलूं मैं नियम कानून श्रृंखल, नहीं मानता कोई प्रभुता मैं अंधड़ मैं बारूदी विस्फोट, शीश बनकर उठा मैं दुर्जटी शिव काल बैसाखी का परम अंधड़, विद्रोही मैं विश्व विद्धात्री का विद्रोही पुत्र, नंग धड़ंग अधंग बोलो वीर बोलो चिर उन्नत मेरा शीश। ये हिंदी अनुवाद था उनकी विद्रोही कविता जो कि बहुत बड़ी कविता है और बहुत फेमस कविता है उनकी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लूँगा इजाज़त। तो काजी नजरुल इस्लाम के ऊपर ये छोटे से विचार जो मैंने आपके सामने पेश किए, मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर, और वो हिंदुस्तान के भी हैं और बांग्लादेश के भी हैं, तो ये दोनों के लिए गर्व का विषय है। तो हम दोनों के लिए ये जो कवि हैं ये हमारे सम्मान का पात्र हैं और हम इनका सम्मान करते हैं, उनकी कविताएं हमें मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। जो पोइट्स होते हैं, जो राइटर होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, वो किसी कंट्री के नहीं होते हैं, पूरे वर्ल्ड के होते हैं, पूरे वर्ल्ड की वो प्रॉपर्टी हैं। तो इसलिए काजी साहब हों या रविंद्रनाथ हों, ये दोनों पूरे वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं और पूरे वर्ल्ड को उन पर गर्व होना चाहिए और है भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।